जय हिंद। मैं कमांडो जीवराज कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि जो बहनें इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना संजोए बैठी हैं, उनके लिए मिलिट्री पुलिस में 100 पदों पर वैकेंसीज आई है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा भर्ती प्रोसेस समझाऊंगा। आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको सारी वो दुविधाएं पूरी हो जाएगी जो आपको समझ नहीं आ रही है। मेरी बहनों के लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि इंडियन आर्मी ने उनको मिलिट्री पुलिस में भर्ती करने का प्लान किया है। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये 100 पदों पर मेरी बहनों का सिलेक्शन होना है और इनका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 6 जून से 20 जुलाई के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, ये जिन जिन लोकेशनों पर इनकी भर्तियां होनी हैं, जो जो रैली साइड गवर्नमेंट ने तय की है, वो है अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे और शिलोंग। इन जगहों पर इनकी भर्तियां होनी है। आपका जो प्रवेश पत्र आएगा उसके अंदर रैली साइड का एड्रेस दिया होगा। अभी बाकी क्या क्या क्रिटेरिया चाहिए उसके लिए मैं आपको एज बताता हूँ। 17.5 से 21 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए, या 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में मेरी बहन का जन्म होना चाहिए। हाइट है वो 152 सेंटीमीटर चाहिए। वेट है वो एज पर आर्मी रूल के अनुसार 46 kg से 66 kg के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन 10th 10वीं पास होना चाहिए, कम से कम 45% नंबर चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में आपके 33% नंबर होना चाहिए, ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए। ग्रेड सिस्टम है तो डी ग्रेड होना चाहिए या C2 होना चाहिए, उसमें आपका 45% से कम नहीं होना चाहिए और ग्रेस नहीं लगा होना चाहिए। जो गोरखा बहने हैं नेपाली और इंडियन दोनों ही के लिए, वो केवल सिंपल 10 पास होना चाहिए, उनको परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। कुछ एज में रिलैक्सेशन है, उनको क्राइटेरिया आगे मैं बताऊंगा। उनको 30 वर्ष तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब 30 वर्ष कब से माना जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, उनका आपको आगे पूरी डिटेल में बताया जाएगा। ये फिजिकल का क्राइटेरिया 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है, ये आपको 7:30 में कंप्लीट करनी है ग्रुप वन में, और दूसरा है ग्रुप टू में 8 मिनट। लॉन्ग जंप है 10 फीट का, आपको 10 फीट लॉन्ग जंप करना है, ये केवल क्वालिफाई करना है। हाई जंप है वो 3 फीट का है, केवल क्वालिफाई करना है आपको। इसमें जो हाई अल्टीट्यूड की बहनें हैं उनके लिए कुछ टाइमिंग में छूट दी गई है, जिनकी रनिंग 5000 फीट से 9000 फीट के बीच में होनी है, उनको 30 सेकेंड की छूट दी जाएगी, 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिन बहनों को 9000 फीट से 12000 फीट के बीच में दौड़ होगी, उनको 120 सेकेंड का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब जिन जिन बहनों को छूट दी जाएगी, उनमें है डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, जिनके हस्बैंड लड़ाई में ख़त्म हो गए, वो डॉटर ऑफ वॉर विडो एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन हैं, फौजी हैं और जो ख़त्म हो गए हैं, उनकी बच्चियां, या जिन्होंने गोद ले रखा है, बेटी गोद ले रखा है, या बहू को, अपने बेटे की बहू को, या किसी अन्य फौजी की बेटी को जिन्होंने गोद ले रखा है, उनको। विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन हार्नेस, जिनकी जो सैनिक हैं वो ड्यूटी के दौरान ख़त्म हो गए, उनकी पत्नियों को भी इसमें रिलैक्सेशन दिया गया। अब क्या क्या रिलैक्सेशन दिया गया है, हाइट है वो 2 सेंटीमीटर, वेट 2 सेंटीमीटर, सेम का सेम सभी को छूट दी गई है, और ये 30 वर्ष तक उम्र में फॉर्म अप्लाई कर सकती है। जो कैंडिडेट
सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम, गोरखा और गढ़वाली। जो बहनें इन गोरखा गढ़वाली हैं या ये आठ स्टेट हैं इनसे संबंध रखती है, उन बहनों को 4 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। उसके लिए आपको डोमेस्टिक सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट आपको साथ में लाना पड़ेगा। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र आपको साथ लाना है। मेडिकल स्टैंडर्ड, जो बहनें रेलवे साइड में फिजिकल पास करेगी उनको मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, वहीं डॉक्टर आपका मेडिकल करेंगे। और मेडिकल फिट ना होने पर आपको नज़दीकी MH हॉस्पिटल में आपको रेफर दिया जाएगा। जेंडर, मैं बहनों को बता देना चाहता हूँ कि जिन्होंने जेंडर चेंज करवाया है वो इसमें एक्सेप्ट नहीं है। जो लड़के जेंडर चेंज करवा कर लड़की बना है उसको इसमें अनफिट माना जाएगा। प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आपको रिटर्न का एग्ज़ाम होगा। मेडिकल और फिजिकल फिट होने के बाद में आपको एग्ज़ाम के लिए आपको कॉल लेटर आएगा और एग्ज़ाम में जाना है। अभी आपको एग्ज़ाम में कहां कहां बोनस मिल सकता है, किस किस को बोनस मिल सकता है, ये आपका डिटेल इसमें है। डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, इनको 20 नंबर का छूट मिलेगा। NCC सर्टिफिकेट ए वाले को 5 मार्क का फ़ायदा होगा, बी को 10 और NCC सर्टिफिकेट को एग्ज़ाम में छूट मिलेगी, उनका सीधा मेरिट बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में मेरिट बनेगी। सब बहनों का मेडिकल फिजिकल रिटर्न होने के बाद में मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो जो बहनें पास होगी उन्हें ज्वाइनिंग दी जाएगी। अभी डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रेलवे साइट पर लेके जाना है। एडमिट कार्ड होना चाहिए, अच्छे प्रिंटर से निकला हुआ, अच्छा प्रिंट क्वालिटी और दिखना चाहिए उसमें। फोटोग्राफ्स होनी चाहिए आपके पास में, नई वाली कलरफुल फोटोग्राफ्स, कम से कम 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स है वो होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको मैं बता चुका हूँ, जो जो आपके 10वीं 12वीं के मेडिकल एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सारे आपको वहाँ पर लेके जाने हैं। आपको मूल निवास सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, धर्म से रिलेटेड सर्टिफिकेट है वो के ले जाना है, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जो कि प्रिंसिपल, सरपंच, वार्ड मेंबर आदि से हो सकता है या स्कूल कॉलेज से भी हो सकता है, और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट आपको साथ में कैरी करना है। रिलेशनशिप, जो डेट ऑफ डॉटर ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडो हैं, ये सब अपना साथ में रिलेशन सर्टिफिकेट जो पर्टिकुलर सेंटर उनको इशू करता है वो उनको साथ लेके जाना है। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है। आपको मेरिड अब भर्ती नहीं हो सकते। जो मेरिड कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ कंडीशंस है, जो 30 साल की उम्र तक भर्ती होते हैं उनके लिए, विडो है या डिवोर्सी है, उनके बच्चा नहीं होना चाहिए। और विडो ऑफ डिफेंस पर्सन हु हैव डाइड इन द हार्नेस, जो ड्यूटी के दौरान जिनके हस्बैंड खत्म हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। अगर उनके बच्चा है तो उन्होंने शादी नहीं की होनी चाहिए, वो रीमेरिड नहीं होना चाहिए। आप ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप शादी करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ट्रेनिंग नहीं कर दे, आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। दूसरा है आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये आपका आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जाएगा। 10 रुपये का आपको एफिडेविट लेके जाना है जो नोटरी से साइन किया होगा, और इसमें अपेंडिक्स बी का रोल रहेगा साथ में। एडमिनिस्ट्रेशन, आप रेलवे साइड पे पानी
लेके जाना है, मास्क लेके जाना है आपको, सैनिटाइजर लेके जाना है, जगह जगह पे थूकना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है आपको। अगर रिलीज साइड पे आपको कहीं किसी प्रकार की चोट लगती है तो आप खुद जिम्मेवार होंगे, गवर्नमेंट उसका जिम्मेवार नहीं होगी। आपका किसी प्रकार का नशा नहीं किया होना चाहिए। और मेन बात आती है टैटू का, टैटू आपका कोहनी से नीचे जो आपकी कलाई है वहाँ पर केवल आप टैटू लगा सकते हैं, या हथेली के पीछे के हिस्से पर टैटू हो, इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से पर टैटू होगा तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा, वो मेडिकल फिट अनफिट हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए मेरे भाई बहनों को और बुजुर्गों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, ताकि हम और इम्प्रूव करके आपको वीडियो पेश कर पाएं। धन्यवाद। जय हिंद।